आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा गूगल पे एप्लीकेशन से स्कैन करके किसी भी क्यूआर कोड पर पेमेंट कैसे करते हैं। अगर आप भी गूगल पे एप्लीकेशन को यूज करते हो और कहीं पर भी आप पेमेंट करना चाहते हो किसी भी क्यूआर कोड पर स्कैन करके, तो आप किस तरह से कर पाओगे मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल पे एप्लीकेशन से पेमेंट करने के लिए किसी भी क्यूआर कोड में, तो आपको उसके लिए गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलो जो हम गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास गूगल पे एप्लीकेशन नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन देना होगा। तो चलो हम अपना यूपीआई पिन को दे देते हैं। यूपीआई पिन को देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आपको फर्स्ट में ही एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा स्कैन पे का। तो आपको सिंपल से इधर पर क्लिक करना है, स्कैन एनी क्यूआर कोड। तो इधर पर एक ऑप्शन आता है तो आपको इधर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है कैमरा वगैरह ओपन हो जाएगा, तो जो आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, जिस भी क्यूआर कोड में आपको पेमेंट करना है तो आपको उस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो आपको स्कैन कुछ इस तरह से करना है। जैसे आप क्यूआर कोड के सामने लाते हो तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपको अमाउंट टाइप करना है, कितने रुपए आपको सेंड करना है। तो चलो हम जो है अमाउंट को टाइप करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ये वाला एरो का, तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी बैंक ऐड रहेगा वो आपको इधर पर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और जो आपका यूपीआई पिन मांगा जाएगा, तो आपका जो भी यूपीआई पिन है आपको वो यूपीआई पिन को एंटर कर देना है। यूपीआई पिन को एंटर करने के बाद आपको सही वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ लोडिंग्स वगैरह होने वाली है, उसके लिए आपको वेट कर लेना है। उसके बाद जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगी। कुछ इसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हो गूगल पे एप्लीकेशन से किसी भी क्यूआर कोड में स्कैन करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।